श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस हिंदी साहित्य की सर्वोच्च रचना है। आदर्श राजधर्म, आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श पारिवारिक जीवन और मानव धर्म का यह अनुपम आगार है। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल चित्र काव्यम में। यहाँ आप लोगों को चित्रों के साथ साथ उससे जुड़ी कहानियाँ भी जानने को मिलेंगी। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री रामचरितमानस में लिखित स्वामी वाल्मीकि के द्वारा रचित पंचम खंड में सुंदरकांड अध्याय सम्मिलित है, जिसमें 60 दोहे हैं। 19 दोहों से बनकर यह राम दरबार सजाया गया है। यह चित्र सुंदरकांड के दोहों से लिखकर बना है और साथ में इस वीडियो में उसका अर्थ भी बताया गया है। चलिए अब जानते हैं सुंदरकांड का अर्थ। शांत, सनातन, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतित सेवित, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करती हूँ। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान, क्रांति युक्त शरीर वाले, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करती हूँ। जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि जानने के लिए उन्होंने सुरसा नाम के सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवता ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और माता सीता की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न लो। जैसे जैसे सुरसा मुंह का विस्तार बढ़ाती थी हनुमान जी उसका दुगुना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन का मुख किया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। वह जल में उसकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। इस प्रकार जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़े। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली कर रहते हैं। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा रूप धारण कर नर रूपी से लीला करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहे हो। हे मूर्ख, तू मेरा भेद नहीं जानता। जहाँ तक जितने चोर है वे सब मेरा आहार है। हनुमान जी ने उन्हें एक घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बताई थी। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करते हुए नगर में प्रवेश कीजिए। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किए। उन्होंने एक एक महल की खोज की। फिर वे रावण के महल में गए। हनुमान जी ने रावण को शयन किए हुए देखा। महल में जानकी जी नहीं थी।
फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी बहुत हर्षित हुए। इस समय विभीषण जी जागे। विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण किया। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें वचन का पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। फिर विभीषण जी ने जिस प्रकार वहां लंका में जानकी जी रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी जी को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन के सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले जहाँ वन में माता सीता रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की लट हो गई है, हृदय में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करती रहती है और श्री राम जी के चरणों में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए और विचार करने लगे कि इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए हुए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आर करके कहने लगी, रे पापी, तूने मुझे सोने में हर लाया है, रे अधम नीलज, तुझे लाज नहीं आती। सीता जी के कठोर वचन सुनते ही रावण तलवार निकालकर बड़े क्रोध से आकर बोला, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले, हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। यो कहकर रावण वहां से चला गया। यहां राक्षसियों के समूह ने सीता को भय दिखाने लगे। इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में कहने लगी, हे अशोक वृक्ष, मेरी विपत्ति सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी का कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान लगाकर उसे सुनने लगी। हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई। सीता जी बोली, यह कथा कही वह भाई प्रकट क्यों नहीं होते। तब हनुमान जी उनके पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं राम जी का दूत हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल एवं विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। मन का दुख कर डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा तेरे पास है। प्रभु का संदेश सुनते ही सीता जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध ना रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, श्री रामचंद्र जी ने यदि यह खबर जानी होती तो वे विलम्ब न करते। हे माता, मैं अभी आपको यहाँ से लिया जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मार के आपको ले जाएंगे। सीता जी ने हनुमान जी को श्री राम जी का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगी है। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ को अधमरा कर दिया।
और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। हनुमान जी ने उन सबको मार दिया। फिर इंद्र को जीतने वाले अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। उसके साथ जो बड़े योद्धा थे उन सबको मारकर हनुमान जी मेघनाद से लड़ने लगे। उनको क्षण भर में मूर्छा आ गई। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्मवान मारा। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए तब वह उनको बांधकर ले गया। इस पेंटिंग का अगला भाग देखने के लिए एवं कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका दूसरा और अंतिम भाग जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए वीडियो पर क्लिक करें।